दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों पुराने से पुराने मोबाइल गैलरी से डिलीट किया फोटो को आप दोबारा से वापस ला सकते हो, वो भी एक क्लिक के अंदर। अगर आपके मोबाइल गैलरी से फोटो डिलीट हो चुका, वो फोटो काफी पुराना है, आपका दादा दादी का या आपका माँ बाप का या आपके फैमिली मेंबर का फोटो है और वो फोटो आपकी गलती की वजह से डिलीट हो चुका या जानबूझ के और आपने अभी तक मोबाइल को आपने चेंज नहीं किया है ना, तो आप पिछले कई वर्षों का डिलीट किया फोटो को आप चुटकियों में आप वापस ला सकते हो। 101% एक ऐसी खुफिया मेथड के बारे में बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अगर आपका मोबाइल वही पुराना मोबाइल है और वही मोबाइल गैलरी से फोटो डिलीट हो चुका है, चाहे आपने मोबाइल डेटा भी आपने डिलीट कर दिया, पूरा मोबाइल को फॉर्मेट ही कर दिया ना, फिर भी आप अपने मोबाइल गैलरी से जो भी फोटो आपने डिलीट किया उससे आप दोबारा से वापस ला सकते हो, जो 100% वर्किंग ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके मोबाइल गैलरी से कोई भी फोटो डिलीट हो चुका है ना, तो डिलीट किया फोटो को आप दोबारा से कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, कैसे आप दोबारा से आप वापस ला सकते हो, तो इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो को आप कहां से देख रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात करेंगे 101% वर्किंग ट्रिक के बारे में, जो डिलीट फोटो को वापस लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर आपको लाखों ऐसे ऐप मिल जाएगा जो दावा करता है कि फोटो डिलीट किया रिकवर कर सकता हूं, पिछले कई वर्षों का 5 साल और 6 साल का ऐसा दावा करता है, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल फेक है। लेकिन जो एप्लीकेशन बताऊंगा ना, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसी भी पुराना फोटो को आप डिलीट किया, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो, कोई भी फोटो को आप रिकवर कर सकते हो, वीडियो भी रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो है ना लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पे आपको यस बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आप डिलीट फोटो को रिकवर कर सकते हैं, यहां पे वीडियो को भी रिकवर कर सकते हैं, यहां पे ऑडियो फाइल को भी रिकवर कर सकते हैं, यानी कि तीन चीज को रिकवर कर सकते हैं, फोटो हो गया, दूसरा वीडियो हो गया, तीसरा ऑडियो हो गया, तीनों चीज को किस तरीके से रिकवर किया जाता है। यहां पे डिलीट फोटो रिकवर पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे अलाउ कर देता हूं। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहां पे जो परमिशन मांगता है उसे देने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, यहां पे स्टार्ट स्कैन पे यहां पे टैप कर देना होगा, तो यहां पे प्रिपेयरिंग होना स्टार्ट कर दिया, यानी कि देख सकते कि मेरे मोबाइल के अंदर जितना भी यहां पे फोटो मैंने डिलीट किया होगा, क्योंकि यार कभी कभी जो होता है क्या होता है मोबाइल के अंदर काफी सारा फोटो होने के बाद मैं डिलीट कर देता, चाहे वो थंबनेल हो चाहे वो वीडियो हो, मैं डिलीट कर देता हूं, वो सभी जो भी मैंने डिलीट किया ना सभी फोटो यहां पे रिकवर हो रहा है। जैसे कि आप ध्यान से देखो, ये मोबाइल पोको F1 है, ठीक है, और ये काफी पुराना मोबाइल है, मोबाइल को मैंने चेंज नहीं किया, मोबाइल को कितनी बार मैंने यहां पे रीस्टार्ट किया यानी कि फॉर्मेट किया, फिर भी यहां पे देख सकते हैं यहां पे 300 यहां पे मतलब कि 3200 यहां पे 88 यहां पे आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे 82 यहां पे देखने को मिल रहा है, इतना यहां पे आ चुका, फोल्डर भी आ चुका। तो जो भी हमने फोटो डिलीट किया ये सारा का सारा फोटो आ चुका, और जैसे कि आप ध्यान से देखो कुछ कुछ फोटो को जो है यहां पे डुप्लीकेट बना देता है, यानी कि डबल कर देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं डबल डबल फोटो लग रहा है ना, तो आपको इसको इग्नोर कर देना, फोल्डर बाय फोल्डर आपको दिखने को मिल जाएगा। जो भी फोटो को आप रिकवर करना चाहते हैं डिलीट फोटो को, तो सबसे पहले दोस्तों फोटो पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफी सारा फोटो आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी फोटो को आप रिकवर करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जो ना रिकवर होगा इस पे आपको क्लिक करना होगा और ये फोटो जो ना यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो ना फ्यू सेकेंड लगेगा, यानी कि कुछ सेकेंड लगेगा और यहाँ पे फोटो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो रिकवर हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूं, जैसे बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वीडियो रिकवरी हो गया, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो जो भी वीडियो आप रिकवर करना चाहते डिलीट हो गया ना उसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने वीडियो डिलीट किया होगा ना सारा का सारा वीडियो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों का जो ना जो वीडियो को मैंने डिलीट किया था यूट्यूब का मोबाइल से ही, पहले मैं वीडियो बना रहा था आप DSLR से बना रहा हूं, तो जो भी मोबाइल से मैंने वीडियो बना रहा था उसको मैंने डिलीट किया, स्टोरेज मैंने स्टोरेज की वजह से वीडियो को डिलीट किया, तो वो भी डिलीट वीडियो को जो यहां पे रिकवर कर चुका, जैसे कि आप देख रहे हो लाइव प्रूफ के साथ 120 यहां पे वीडियो यहां पे रिकवर हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहां पे क्या करूंगा, यहां पे वेट कर लेता हूं और यहां पे वीडियो आ चुका, देख सकते कितना साल का पुराना वीडियो यहां पे आ चुका, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कोई भी वीडियो को आप रिकवर करना चाहते हो इस पे सिलेक्ट कर ले और यहां पे आपको जो ना जैसे कि आप देख रहे हैं 27 MB का हो गया, 180 MB का हो गया, तो यहां पे क्लिक करके रिकवर यहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं बैक कर लेता हूं, मैंने आपको बताया एग्जिट पे क्लिक कर देता हूं। ऑडियो को रिकवर करना चाहते हो तो ऑडियो पे भी क्लिक करें, यहां पे टाइप कर दीजिए
लीजिएगा, यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो रहा है। और जो भी आपके मोबाइल से जो भी ऑडियो यहाँ पे डिलीट कर दिया होगा ना पिछले कई वर्षों का, तो वो भी ऑडियो यहाँ पे स्कैन करेगा और पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ऑडियो को रिकवर कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव प्रूफ के साथ पूरा का पूरा यहाँ पे ऑडियो यहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्यों ना मैं काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग करता हूँ और ये ऑडियो मैंने डिलीट कर दिया था मोबाइल के स्टोरेज की वजह से। तो यहाँ पे स्कैन करोगे, यहाँ पे स्कैन होने के बाद दोस्तों जो भी ऑडियो को आप रिकवर करना चाहते हो उस पर टैप करें। टैप करने के बाद बस आप सेम प्रोसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्लिक के अंदर रिकवर कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, कोई भी चीज को आप बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हो। जो 101% जो ना वर्किंग एप्लीकेशन है, जो आप लोग को नहीं पता होगा, अगर आपके मोबाइल से गैलरी से जो ना कोई भी फोटो डिलीट हो चुका, चाहे वो पुराने से पुराने कोई भी फोटो को जो ना बड़ी आसानी से यहाँ पे डिलीट किया फोटो को रिकवर कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो ना कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बिल्कुल ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।